अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, रॉयल जायका बाय तस्लीम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवा डोसा, तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बड़े से बोल में एक कटोरी रवा ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा एक कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी मैदा। जिस कटोरी से आप ये तीनों चीज़ मेजर कर रहे हैं वो एक ही नाप की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हरा धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च को हम बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। पूरा पानी एक साथ मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। फिर से हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसमें एक ग्लास भर के पानी ऐड करेंगे, यानी टोटल हम इसमें तीन बड़े ग्लास भर के पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे रवा डोसा का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। हमें बिल्कुल एक पतला बैटर चाहिए इसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छाछ होती है, सेम ये छाछ जैसा ही लगेगा। सो ये रेडी हो गई बिल्कुल हमारी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी रवा डोसा के लिए। जैसे कि हमने खूब सारा पानी इसमें ऐड किया है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका हो जाएगा, तो इसीलिए हम फिर से इसमें नमक ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम इसमें पानी ऐड करेंगे नमक भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे रवा डोसा के बैटर को आधे घंटे का रेस्ट मिल चुका है। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बैटर जो है वो फिर से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है रेस्ट करने के बाद, तो हम इसमें फिर से पानी ऐड करेंगे आधा ग्लास। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। डोसा तवा को मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म करने के लिए रखा था। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। डोसे के बैटर को हम किनारों से डालना शुरू करेंगे, यानी कि किनारों से डालते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम सारे गैप्स डोसे के बैटर से भर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। ये सारा प्रोसेस हमें बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे करना है। इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। तीन से चार मिनट तक पकने के बाद ये नीचे की तरफ से थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम इसे कम से कम 1 मिनट तक और पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा रवा डोसा जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार मैं आपको ये रवा डोसा बनाकर बताती हूँ। रवा डोसा जो होता है वो हमारे दाल और चावल वाले डोसे से बहुत ही अलग होता है। जितना आपका रवा डोसा का बैटर पतला होगा उतना ही आपका रवा डोसा क्रिस्पी बनेगा। इस टिप को ज़रूर याद रखिएगा। सो गाइज, यहाँ पर हमारा परफेक्ट रवा डोसा जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए ये कितना क्रिस्पी, कितना गोल्डन और कितना जालीदार बना है। आप इसे ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो इसे आप सांभर के साथ भी खा सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी ब्रेकफास्ट रेसिपी? बहुत ही झटपट से बन जाती है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाइज मेरे सभी व्यूवर्स को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और फ्रेंड्स कल से रमज़ान के इफ्तार के लिए बहुत ही डिलीशियस और खूबसूरत रेसिपीज़ अपलोड होने वाली है, तो आप सभी सारी रेसिपीज़ को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।